Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Insta. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम सुनो चंदा ड्रामे के episode 14 पर reaction दे रहे हैं और काफी मजा आ रहा है guys, क्योंकि अब बीजान ने वो बातें सुन ली उनकी कि ये सब ड्रामा था, क्या था, अब उसके बाद क्या होगा ये देखने के बाद पता चलेगा। जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे guys। तो जल्दी से guys स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये तो है ही ड्रामेबाज, दूसरों के जज्बात से खेलने वाला दो नंबर इंसान जिसके पास शर्म हो यार। बीजान, मेरी बात तो सुने। वो मैं क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुमने तो सारी चीजें तुमने सोचा कि मां पागल है, क्यों ना इसे मजीद पागल बनाया जाए, है ना बीजान? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा जो कुछ भी है मुझे सब पता चल गया है। और वो डॉक्टर आदिल नजर आ जाए मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इसमें डॉक्टर आदिल का और जमशेद का तो कोई कसूर नहीं है। पता है मुझे, ऐसे शैतानी आइडियाज तुम्हारे ही दिमाग की पैदावार हो सकते हैं, मालूम है मुझे। देखो मुमताज, क्या देखूं ना, क्या देखूं, कुछ मजीद झूठ रह गया है देखने के लिए? बंदा अपनी उम्र का ना सही दूसरों की उम्र का ही लिहाज कर लेता है। अब मैं इस उम्र में बच्चों के ड्रामे देखूंगी क्या? बीजानी, तो सब शाना को वापस बुलाने के लिए किया था, आपको तो पता है वो जिया और असल की शादी सर पर है ना, इसलिए बीवी को बुलवाते बुलवाते माँ बेशक चली जाए अल्लाह के पास, है ना? ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छी थी मैं, जहन्नम में जाओ तुम सब लोग। बीजान, मेरी बात तो सुने, सुना दिया, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। दो घंटे के अंदर अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मुमताज हाउस पहुंचा, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दो घंटे में ये सब कैसे होगा? जैसे भी हो, दो घंटे के अंदर अंदर तुम घर अगर नहीं पहुंचे तो आप पकड़ लिया भाई, फिर बाद में मत कहना कि माँ ने घर खराब कर दिया। आकर जी को समझाया ना, मसला हो जाएगा। ये तो कुछ बोल नहीं सकता भाई। कॉफ़ किया शाना को पता लग गया तो मेरा क्या होगा? अरे मैं कपड़ गया सब कुछ, अब तो गया भाई। किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? अब्बा के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन आगा जी ने तो मना किया कि कोई नहीं जा सकता वहाँ। तुम लोगों को मना किया होगा यार, मुझे कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। मुझे भूख नहीं है, सारी कर ली थी। यही तो नहीं पसंद इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे, असल जहर। जब तुम ये सती सवित्री बनके घूमती हो ना आगे पीछे, हवनक लगती हो मुझे। हाँ तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इज्जत रास नहीं है तुम्हें? जो भी समझ लो, 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें मनाने में लगे। तो मैंने कहा खर्च करूं? मैंने कहा था मुझे शेरी का आइडिया था। तो उसी से लो जाकर। मिस्टर अरसल बेटा, ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे 2000 मांगे ना, वो मुझे 4000 रुपए हाथ पे थमा देगा और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हां जानता हूं, मैं जानता हूं, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास, और मैं ठहरा बेरोजगार कंगाल। सर क्या हो गया यार, अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। मिस्टर अरसल जमशेद अली, मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारे सगे चचा चची हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया है? कब हमने बहस की है, या हमने कभी भी कोई लड़ाई की हो बड़ों की बातों के लिए? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया अरसल, हमने कभी भी खामखा इस तरह लड़ाई नहीं की है बड़ों की बातों में। देखो रुखसती तो होनी नहीं है हमारी, दैट मीन्स शादी कैंसिल ऑफ कोर्स। अब यार जो बची कुछ दोस्ती है हमारी, वो वाहिद चीज है जो हमारे पास बची हुई है, उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो अरसल? क्या हो गया यार? मेरी बात पर गौर करना, ठंडे दिमाग से
वक्त मिले तो, और खाना खा लेना अगर तुम्हारा दिल करे, वरना मर जाना। ये सुनना होता है। मेरी बाचोनी, अगर आप अभी अंदर नहीं गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर तुम लोग 2 घंटे के अंदर घर ना पहुंचे तो बड़ा मसला होगा। अरे 2 घंटे में कहां से आएंगे, अस्पताल से मरीज को छुड़वाने में कुछ तो वक्त लगेगा ना, सुबह आ जाएंगे। अच्छा, यानी जाली मरीज को छुड़वाने में, डिस्चार्ज करवाने में टाइम लग जाता है। बहुत खूब। देखो अगर तुम अभी यहां से निकली ना तो शहाना मशकूक हो जाएगी। सिचुएशन को समझो। क्या समझूं? ये कि मुझे हार्ट अटैक देने का तुमने पूरा प्रोग्राम बना रखा था। देखो वास्तव में बच्चों की लड़ाइयां सुलझाने के लिए बच्चों का ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कौन सी कयामत टूट पड़ी थी यहाँ? शादी में सिर्फ 10-15 दिन रह गए और शाहाना किसी तौर भी वापस आने को तैयार नहीं थी। तो वो क्या महारानी है कि उसके बगैर शादी नहीं हो सकेगी? तुम अपने खानदान वालों से वाकिफ नहीं हो क्या है? और वो जमशेद का घर खराब करके क्या उसके बेटे का घर आबाद करोगे तुम? मुझे नहीं पता, जो कुछ भी तुमने किया इंतहाई घटिया हरकत थी। घर मैं जा रही हूँ, तुम लोग बेशक आ जाना सुबह। अच्छा सुनो, तुम चली जाओ मगर घर जाके किसी को बताना मत, वरना जमशेद का घर खराब हुआ। फिलहाल तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और तुम अगर यहाँ से ना गए तो मैं शोर मचा दूंगी कि ये बुढ़ा मुझे छेड़ रहा है। जाओ यहाँ से। तौबा तौबा। कैसे पढ़ रही है भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, सही पढ़ रही है। कल पर नूर है। क्या पढ़ रही हो बिलोची? वजीफा शुरू किया है जमशेद जी की सेहतयाबी के लिए। क्या खुशकिस्मत इंसान है, वाह मेरे अल्लाह वाह। कैसे कैसे लोगों को कैसा कैसा किस्मत थी। क्यों, क्या हुआ जलाल जी? अब देखे ना, आप जैसा खूबसूरत इंसान उस शख्स के लिए वजीफा पढ़ रहा है। हालांकि वजीफा तो शहाना को पढ़ना चाहिए। शौहर है उसका। मासूमा आपा, मेरा भी तो कजन है, बचपन साथ गुजरा है। भूल जाओ बचपन को, अब तो 55 की हो गई हो तुम। हम तो नहीं हुए। बीजान, कैसी तबीयत है जमशेद की? मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आराम करने जा रही हूँ, कुछ डिस्टर्ब ना करे मुझे। खाला जान को क्या हुआ? जरूर आगा जान से फिर लड़ाई हो गई होगी। ये दोनों चूचे लड़ाने से भी बाज नहीं आते। आप एक काम करें ना, शहाना को एक फोन कर लेना, जमशेद का हाल पूछ लें, फिर मुंह बना के बैठ जाएगी वो। आप बेकार ही नहीं करो। मैं भी अपना वजीफा पूरा कर लूं, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। अल्लाह करे उल्टा पड़ जाए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस वो खिंजा को बोलूंगा चाय बना दे मेरे लिए। यखनी बन गई अब्बा जी के लिए। तुमने क्या सहरी में गूंगे का गुड़ खा लिया है? हाँ, मैंने वही गुड़ खाया था जो तुमने कल रात मेरी बातों के जवाब में खाया था। क्या करता, लाख कड़वी सही तुम्हारी बातें थी तो सच्ची ना। तो तुम्हें पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में? बस यही समझ लो। वैसे थैंक यू। किस चीज के लिए? अब्बा जी के लिए परहेजी खाना बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए परहेजी खाना बनाने की। क्यों बीजन, क्या हुआ? अरे सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक, कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब, और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा मैंने, अपनी आंखों से देखा है। दरवाजा खोल के मैं अंदर गई हूँ, केले खाए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। जब मुझे पता चल गया तो फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे पैर पकड़े, हाथ जोड़े। बता दिया इसे, उसने मना करा था। मगर मेरे तन बदन में तो ऐसी आग लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। देखो जरा इनको,
मैं जा रहा हूँ। क्या क्या तुम अम्मा को खुदा का वास्ते कुछ नहीं बताना, सारा मामला खराब हो जाएगा। अरसल मैं बताते रहूंगा, मैं अम्मा को बताऊंगा, इन्होंने मजाक बना लिया हमारा। बहुत गलत हुआ भाई। अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं चलाऊंगा, गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये गाड़ी कहीं मार दूं। लेकिन मकसद उनका नेक था, ये समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार, इंसानियत भी किसी चीज का नाम होता है और झूठ की भी कोई हद होती है जिया। पता है तुम्हें मैं कितना टेंशन में था बाजी का वो अंजाइना को लेकर। अरसल तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमने। अम्मा को तो मैं 100% बताऊंगा, कुछ भी हो जाए बताऊंगा। उन्हें पता लगना चाहिए अब्बा जी उनके जज्बात का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम देखो तो मैंने तुम्हें गाली का तो कुछ भी बताओगे? बताऊंगा। नहीं बताओगे? 100% बताऊंगा। ये आगा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने हुए राजेश खन्ना? क्या बढ़िया चल रहा है यार ड्रामा। सही है यार, बी जान ने बता ही दिया घर में, बी जान मतलब उन्हें फोड़ दिया। और आगा जी ने साफ बोला था ये मत बता ना, बस उसने सुन लिया यार, उसने पकड़ लिया ना। तो यार फिर भी और उसे और मतलब डरा दिया बिल्कुल शाहजा को। वो तो डरा पड़ा है भाई। भाई मैं शोर मचा दूंगी, गुंडा चढ़ रहा है। इनकी नोकझोंक भी यार काफी सही लगती है, बहुत सही लगती है भाई। और जलाल की और वो उसकी वो तो खैर चली रही है यार, वो तो कभी कभी सही लगती है और कभी कभी खिंच जाती है वो, इसलिए मजा नहीं आता। ज्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है तो मजा नहीं आता। अब तो मासूमा सही हैंडल कर रही है उसे, जलाल को बीच में आती है। हाँ और यार अरसल और जिया की तो मतलब सही चल रहा है यार। अरसल को कह रही है कि भाई अपनी मम्मी को जो भी लड़ रहे हैं ना ये, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। ये हॉस्पिटल पहुंच के क्या करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं या वहाँ घर पे जाते हैं? घर पर ही रहेंगे और क्या, क्योंकि भाई बीजान ने बोला है आपको जाना पड़ेगा इन्हें, वो सुबह तक की मोहलत मांगी थी उसने शाहजा ने, तो उसकी भी शामत आ जाएगी, जाने पड़ेगा इन्हें। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आपको प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन